Wow, look at that mojo. न्यू शेप एम स्पोर्ट से भी ज्यादा मुझे इसमें मजा आ रहा है. Look at the seating posture of this Mojo. RS457 trying to keep up with RSV4. भाई उसका फर्स्ट गियर ही काफी है, इसको खा जाएगी. वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉक, यू आर वॉचिंग सैम स्टार. आज की राइड थोड़ी सी स्पेशल है मेरे लिए. जॉइनिंग मोजो राइड, दे माइट हैव लेफ्ट आई बिलीव. आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ फ्यूलिंग अप और कंपनी से सब लोग साथ ही निकले थे. दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा. फाइनली नाउ आई फाउंड अ मोजो राइडर. According to me, Mojo is doing around 150 kilometers per hour now. Single cylinder bike. It's a beautiful bike. लगता है मोजो वाले सब बजा रहे हैं भाई. आई वॉज जस्ट लेट अ मिनट. फाइनली दे आर अहेड. ये तो मोजो नहीं, कोई और ग्रुप है. वाओ लुक एट दैट मोजो, दैट्स कॉल्ड ऑटो लॉकेट. कमेंट में बताओ कैसी लग रही है बाइक. And here I think there are more than 20 bikes. Finally hamara breakfast ho gaya hai Woody's mein and now I'm going to try Zuhaib's BMW S1000RR. Se pehle main chala chuka hu bike ko kyunki hamari group mein Umair bhaiya ke paas thi and now he got this bike and the best part is he got tuned. So now I will be knowing the difference how quick the bike is now. It's in race mode. That's Farhan bhaiya. Bike is so quick after tune. Oh, Zuhaib, puri bike change ho gayi hai. Mad. Bye.
कंप्लीटली चेंज। चेंज ब्रो, चेंज पूरी चेंज हो गया। न्यू शेप एम स्पोर्ट से भी ज्यादा मुझे इसमें मजा आ रहा है। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऑन है नहीं रेड लाइट? हाँ हाँ ऑन है ब्रो, कंप्लीट चेंज हो गया ब्रो, वो मेरी एम स्पोर्ट से ज्यादा पावर दिख रहा ब्रो। 197 एट द व्हील फॉर थर्ड गियर, 247 300 सिक्स्थ गियर, फिफ्थ गियर में और फिफ्थ गियर में और ज्यादा रहता खतर, बैठती नहीं उड़ते रहते हाली, शायद ऑन था उड़ी नहीं। हाँ एंड लुक एट दिस मोजो बाइक्स, सो दिस बाइक्स आर ब्यूटिफुल। मोजो के बारे में थोड़े बात करेंगे अब। सी द मोजो महिंद्रा जो प्रोडक्शन थी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, आई डोंट नो क्यों, पर इंजन्स आर सो गुड, सो रिफाइन, आई रियली लव्ड इट। आई हैव सीन बाइक्स डूइंग 1.5 लाख किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर्स चलाए हैं और अभी भी चल रही हैं, इंजन्स अच्छे हैं, क्लच प्लेट्स 80,000 किलोमीटर में एक बंदे ने चेंज किया था, सील्ड इंजन विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मुझे नहीं लगता इतनी सिंगल सिलेंडर में इतनी रिफाइन बाइक कोई हो सकती है इंडिया में, सच एन अमेजिंग बाइक मोजो है। बट सैडली रिसेंटली इनका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है, आई डोंट नो, नो आइडिया क्यों, फिर भी लोग बाइक कर रहे थे, शायद लुक्स चेंज करके अगर चलाते तो अच्छा होता, पर बट आई थिंक महिंद्रा दे आर फोकसिंग मोर ऑन कार्स, महिंद्रा कार्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक, इसका जो सीटिंग पोस्चर है, ज़्यादातर बैंगलोर में नहीं है बाइक्स, दे हैव यू नो बाहर के जो लोग हैं, केरला के हैं, जो मोर ऑफ टूरिंग पीपल, मोस्टली दे आर डूइंग इट। मोजो, मोजो में एक बाइक ऐसी है कि आप जब बाइक चलाओगे ना तो एक किक मिलती है आपको, इसका साउंड सिस्टम, उसका रिफाइनमेंट, यू विल फील द पंच, इनिशियल पंच टॉर्क 300 सीसी की आती है, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। ये थी ऑटो लॉक किट और दे हैव डन लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑन दिस बाइक्स मोजो, बट सैडली डिसकंटिन्यूड। लुक एट दिस ब्लैक, इनफैक्ट शुरू शुरू में मुझे अच्छी नहीं लगती थी बाइक, क्योंकि आगे इसका मास्क बड़ा था और पीछे से टेल बहुत छोटी लगती थी मुझे, बट नाउ इट्स ओके। बट अगेन इस प्राइस सेगमेंट में इसका जो माइलेज है, लॉन्ग टूरिंग जो करते हैं, इट्स बीन यू नो बहुत सारे अच्छे रिव्यूज हैं इस बाइक्स के। वहाँ पे शायद ब्रीफिंग चल रही है, आई एम मिसिंग इट, दैट्स फाइन। एंड होने दो भाई, रास्ते में मैं आ रहा हूँ, वो जो सामने जो लीड करते हैं उन्होंने ऐसे बताया, मुझे पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो सब लोग ऐसे ऐसे बता रहे हैं, और आने के बाद पूछा मैं तो मालूम हुआ कि सिंगल लाइन और ऐसे करने से डबल लाइन, क्योंकि मैं यूजुअली आया नहीं हूँ ऐसे कंपनी राइड्स में, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। पहले गया था KTM से, पर मैं बीच से ही भाग गया था, वो बहुत बोरिंग लगी थी राइड मुझे। दिस इज़ फरहान भैया, फरहान खान RR, इनका रिसेंटली यूट्यूब चैनल ओपन हुआ। हाँ बैठो ना को, ऐसा ले लो उनके गाड़ी, उनसे पूछना। फोटो मार लियो भाई, मार लियो, फोटो नहीं लेते। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाइक,
बैटरी लो है ब्रो, फोन ऑफ हो जाता नहीं, घर को गया था का होना 5% भाई भेज क्या भेज देती बच्चा है डन विद ब्रेकफास्ट फरहान भैया सो के भी उठ गए जाएंगे लेट्स गो ब्यूटीफुल RS 457 विद हिज डैड Aprilia RS V4 1100 factory. Mojo riders are ready to head back. I'll do a short drag race between these two bikes. Mahindra Mojo 300 versus Aprilia RS 457. Iski aur iski ek choti drag race karenge nikalne ka time po. Khali ek comparison. Je bhi usse compare kare to dange chal jaate hain. Ha. खाली एक एग्जांपल ये बाइक से इन्हें कितनी पावरफुल है करके लेट्स डू अ ड्रैग 2 1 2 3 How fast the bike is. It's double the power, double the BHP, but the build quality of Mahindra Mojo is next level. Main dekha hu, chassis uthaya hu. It is so heavy, so strong. Uska jo har cheez build quality hai, it is next level. Lower CC mein, this is the only bike which I have seen braided lines. Mahindra Mojo mein braided lines hai bhai. Baby RS 457 trying to keep up with RSV4. भाई उसका फर्स्ट गियर ही काफी है, इसको खा जाएगी. Is a single cylinder bike Mahindra Mojo, but sounds so good. Dual exhaust, one of the best sounding machine single cylinder mein. Very nice sound. Uska jo DB killer hai nikal de na to maza hi aa jata hai. It sounds so nice. Aur usme pops and bangs aate hain. That is one thing which I like. It is very nice. Is bike ki ye speciality hai ki aap
लो स्पीड में हायर गियर्स पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, आप आराम से चला सकते हैं। ड्यूक 390 को देखें, सिंगल सिलेंडर इंजन, आप लो स्पीड में हायर गियर्स पे आप नहीं चला सकेंगे, उस पर नॉकिंग साउंड आने लगती है, दैट्स अ ड्रॉबैक। एंड ये ट्विन सिलेंडर में उसका मज़ा ही अलग है। लुक एट द सीटिंग पोस्चर ऑफ दिस मोजो, आराम से बैठ के आराम से चला सकते हैं कितनी भी दूर हो। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है आगे का, बट दैट्स फाइन फॉर टूरिंग पर्पज, इट्स वेरी नाइस। बीच में बाइक चला के मेरा भी मन आ गया था कि एक मोजो रख लें, क्योंकि कम प्राइस में अच्छी बाइक मिलती है। देन अगेन इफ़ आई बाई ए मोजो आई शुड बाई ABS वर्जन। आई ऑलरेडी हैव सो मैनी बाइक्स, बाइक्स चलाता ही कम हूँ मैं, और इस बाइक की भी मैंने बुकिंग की थी वो भी कैंसिल कर दी। ऑलरेडी ADV है, RC है, आई एम नॉट राइडिंग मच। फाइव ईयर्स तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, सर्विस सेंटर रहेगा उसका, जो कि फरहान भैया उसके डीलरशिप के ओनर हैं।